नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में तीसरी लहर को लेकर। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जो है तीसरी लहर आ चुकी है और डॉक्टरों से उन्होंने एक खास अपील भी की है। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की संख्या 47 सामने आई है। अगर हम पिछले चार दिनों की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि बिहार में एक्टिव केस के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। बता दें कि IMA के 96वें अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार ने यह बात अपनी कही है। इसी दौरान बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लड़ने में डॉक्टरों का योगदान सराहनीय रहा है। कोरोना से मुक्ति दिलाने में जो डॉक्टर की भूमिका है उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के साथ बैठक की थी और राज्य में हम लोगों ने भी कुछ डॉक्टरों के साथ बैठक की थी। आप लोगों ने कोरोना काल में जो काम किया वह सराहनीय है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में आप लोगों ने सराहनीय कार्य किया है। आप लोगों के वैक्सीनेशन पर रिसर्च करके सराहनीय कार्य किया। अब तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सभी जगहों पर तैयारियां की जा रही है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आप चिकित्सकों से आग्रह है कि लोगों को इलाज के दौरान उन्हें शराब पीने के दुष्परिणाम के बारे में बताएं, उन्हें शुद्ध पेयजल का उपयोग करने और खुले में शौच नहीं करने के बारे में भी बताएं। आप लोगों की बातों का असर होगा। आप सब लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी आपकी मदद करते हैं और आगे भी जितना संभव होगा मदद करेंगे। समाज को आगे बढ़ाइए और बेहतर बनाइए। आप सभी के चरण स्पर्श करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना को देखते हुए नए साल में जश्न में मनाने के लिए पार्क और उद्यानों को भी बंद कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि प्रदेश के सभी पार्क और जैविक उद्यान को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार अब किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कल्चरल, खेल कूद संबंधी आयोजनों में कोरोना से बचाव संबंधी SOP का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने अब मास्क के इस्तेमाल को एक बार फिर से आवश्यक कर दिया गया है, यानी कि मास्क लगाना जो है अब जरूरी है। एक तरह से कहने की परिवहनों में अगर हम बात कर लें तो सड़कों पर जो है दस्ता दल बिहार सरकार की तरफ से वह जांच कर रही है कि जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें जो है मास्क लगाकर लोग सफ़र कर रहे हैं या नहीं। अगर हम पिछले कुछ दिनों की खबरों की बात करें तो बिहार सरकार की तरफ से करोड़ों रुपये जो है इसको लेकर वसूले गए हैं, तो ऐसे में इस बात का पता चलता है कि हम कितने सजग हैं। इससे पहले कि अगर हम कोरोना की गाइडलाइन की बात करें तो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरह के नारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। हम सबको एक बार फिर से जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि हम कोरोना की तीसरी लहर से आसानी से बच सकें, लड़ सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।